नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के ग्यारसपुर में पुलिस की बड़ी कामयाबी, 3 साल पुराने अंधे कत्ल का खुलासा। ग्यारसपुर थाना में 3 वर्ष पूर्व एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। हाईवे का निर्माण कर रही बिल्डकॉन कंपनी में काम करने वाले बालेंद्र बैस की मौत को डंपर से एक्सीडेंट बताया गया था, लेकिन पीएम रिपोर्ट में चोटों का मारपीट से लगना सामने आया, जिस पर पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 302 का मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों की तलाशी के लिए पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के निर्देश में उप पुलिस अधीक्षक आकांक्षा जैन एवं वर्तमान में ग्यारसपुर थाने में पदस्थ थाना प्रभारी महेंद्र शाक्य द्वारा मामले की छानबीन की गई और डंपर चालक कमलेश गिरी से पूछताछ की गई, तो कमलेश गिरी निवासी बेरखेड़ी थाना जैसी नगर उम्र 35 वर्ष ने बताया कि घटना के दिन मृतक बालेंद्र बैस को पोकलेन मशीन के ड्राइवर नीरज बुनकर, डंपर ड्राइवर संजय सेन और अशोक पाराशर द्वारा शराब के नशे में चक्कर भरने की बात पर मारपीट कर जान से मारना बताया गया था, तथा सुपरवाइजर दिनेश ठाकुर व अन्य डंपर ड्राइवर राहुल पटेल द्वारा घटना को मारपीट ना बताते हुए एक्सीडेंट बताने की योजना बनाकर पुलिस को गुमराह किया गया था। पुलिस ने कमलेश पुत्र कृष्णगिरी गोस्वामी उम्र 35 वर्ष निवासी बीरखेड़ी जिला सागर, राहुल पटेल पुत्र करोड़ी लाल कुशवाहा उम्र 21 वर्ष जिला सागर, संजय पुत्र गणेश प्रसाद सेन उम्र 37 वर्ष निवासी चितौरा सुर्खी, दिनेश ठाकुर पुत्र भगवान सिंह ठाकुर उम्र 36 वर्ष निवासी बीरखेड़ी जिला सागर को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपी की तलाश जारी है। प्रकरण में धारा 201, 120 बी भादवी इजाफा किया गया है और आरोपियों का मेडिकल परीक्षण कराकर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। विदिशा ग्यारसपुर से आशीष सहेली की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। जो हत्या की घटना थी उस मामले का खुलासा किया गया, पूरा घटनाक्रम क्या था और कब घटित हुआ था, इसके आरोपी कौन कौन? वर्ष 2017 में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें बंसल कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक ड्राइवर था फोकलेन मशीन का, बालेंद्र बैस करके, उसका पीएम रिपोर्ट पीएम कराया गया था, जिस पीएम के दौरान उसकी मौत हो गई थी। उस घटनाक्रम में अपराध पंजीकृत किया गया था धारा 302 के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ। पीएम रिपोर्ट में जो जांच आई थी उसमें उसकी जो चोटें हुई थी वो होमोसाइडल बताई गई थी डॉक्टर द्वारा। अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। उसी अपराध में आज कल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया है कि उसमें जो एक्सीडेंटल द्वारा मौत ना होकर उसकी मौत लड़ाई में आई चोटों के द्वारा हुई थी, जिनमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद आरोपियों को जेल भेजा जाएगा सर? हाँ, क्या प्रक्रिया रहेगी उनकी? उन्हें जेल भेजा जा रहा है। कौन कौन सी धाराओं के तहत कायमी की गई है? चूँकि प्रारंभ में अपराध 302 धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, अपराध में 2 धाराओं का इजाफा किया गया है, 201 और 120 IPC का। तो ये कोई आपसी रंजिश थी या ये मामला पूरा कैसा? ये मामला क्या है, आपस में चक्कर भरने की बात पे लड़ाई हो चुकी थी उनकी, शराब के नशे में थे और 4 लोगों के बीच में लड़ाई हुई थी इसमें, और फिर उस लड़ाई को उन्होंने एक्सीडेंटल का रूप दिया। तो ये लगभग 2 वर्ष बाद इस घटना का खुलासा हो पाया? 3 वर्ष बाद। इसके क्या कारण रहे हैं? इसके कारण ये कारण रहे हैं कि घटना पे मौजूद जो मेन आरोपी थे और जो उनके सहायक थे, उनके द्वारा इस घटना को एक्सीडेंटल बताया गया था, जब और ऐसा कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं था, लेकिन जब और विवेचना के दौरान जो साक्ष्य आए हैं उनसे ये खुलासा हो पाया। कौन सी कंपनी? बंसल कंपनी है। बंसल।